तो आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आ रही है और ये बड़ी खबर है श्रीगंगानगर के रावला मंडी से, जहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दो बच्चों के साथ टंकी पर एक महिला चढ़ी, तो बता दें कि अपने बच्चों के साथ दो बच्चे जिनको लेकर एक महिला टंकी पर चढ़ गई। पति से अनबन के कारण टंकी पर महिला चढ़ी, पति से खर्चे की मांग को लेकर अनबन थी जिसको लेकर टंकी पर ये महिला अपने बच्चों के साथ चढ़ गई। पुलिस की समझाइश के बाद महिला को किसी तरह से टंकी से नीचे उतारा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है श्री गंगानगर के रावला मंडी से, जहां पर एक महिला अपने दो बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ गई। दरअसल जो महिला थी वो अपने पति से परेशान थी और अनबन के कारण वो अपने दोनों बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ गई और पति से खर्चे की मांग को लेकर ये पूरा विवाद था। हालांकि जब पुलिस के संज्ञान में मामला आया, पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह से महिला को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारा गया। तो श्री गंगानगर के रावला मंडी का यह मामला है जहां पर महिला अपने दो बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ गई। वजह थी पति के साथ अनबन, खर्चे को लेकर विवाद था और पति से खर्चे की मांग लगातार पत्नी कर रही थी, इसी वजह से नाराज होकर वो टंकी पर अपने दोनों बच्चों को लेकर चढ़ गई। जब पुलिस की जानकारी में मामला आया तो पुलिस ने किसी तरह से महिला को समझा बुझाकर टंकी से नीचे उतारा। तो दो बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ी महिला, पति से अनबन के कारण टंकी पर चढ़ी महिला, जिस वजह से पूरा विवाद बताया जा रहा है, उसकी वजह थी पति से खर्चे की मांग। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। सुरेंद्र, महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ गई, हालांकि जो वजह बताई जा रही है कि वो ये है कि पति से खर्चे की मांग थी, किसी तरह का विवाद था जिसको लेकर महिला अपने बच्चों को लेकर टंकी पर चढ़ी। आपसे जानना चाहूंगी। जी बता दूं कि ये महिला है जो अपने दो बच्चों के साथ पति के साथ विवाद चल रहा था, इस भरण पोषण इसके खर्चे की बात को लेकर आज टंकी पर चढ़ गई है। पूरा मामला रावला मंडी का है, जहां वार्ड नंबर 7 निवासी ये महिला है जो दो बच्चों के साथ पति के साथ विवाद चल रहा था, इसके चलते ये टंकी पर चढ़ गई, जिसके बाद पुलिस व स्थानीय लोग मौके पहुंचे व समझाइश के बाद इस महिला को नीचे उतारा गया है। बता दूं कि इस महिला के इस साथ है, इस पति का विवाद चल रहा है और मामला पूरा न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय में विचाराधीन मामला होने के कारण पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और इसके साथ ही बता दूं कि इस पति को कुछ दिन पहले ही शांति भंग के आरोप में पुलिस ने पाबंद किया था, लेकिन इस महिला के द्वारा भरण पोषण व खर्चे की मांग को लेकर आज दो बच्चों के साथ ये टंकी पर चढ़ गई, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और स्थानीय लोग व पुलिस मौके पहुंची वह महिला के परिजनों के द्वारा इस समझाइश की गई, जिसके बाद इस महिला को फिलहाल नीचे उतार लिया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। जी कि पति से बात हो पाई है, उसका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जी बता दूं कि मामला पूरा न्यायालय में है और महिला के द्वारा दहेज प्रताड़ना वह कुछ पति के पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद ये श्रीगंगानगर के महिला पुलिस थाना में और रावला मंडी के थाने में ये मामला चल रहा है, जो मामला विचाराधीन है, जिसके चलते पुलिस भी इस फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला न्यायालय में होने के कारण इस मामले में अभी तक कोई पुलिस जवाब देने से भी कतरा रही है। जी ठीक, सुरेंद्र बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।